इब्ने इंशा जी की लिखी एक कहानी, उनकी किताब उर्दू की आखिरी किताब से, एक सटायर है जैसा इब्ने इंशा जी लिखते थे। हमारा मुल्क ईरान में कौन रहता है? ईरान में ईरानी कौम रहती है। इंग्लिस्तान में कौन रहता है? इंग्लिस्तान में अंग्रेजी कौम रहती है। फ्रांस में कौन रहता है? फ्रांस में फ्रांसीसी कौम रहती है। ये कौन सा मुल्क है? ये पाकिस्तान है। इसमें पाकिस्तानी कौम रहती होगी? नहीं, इसमें पाकिस्तानी कौम नहीं रहती है। इसमें सिंधी कौम रहती है। इसमें पंजाबी कौम रहती है। इसमें बंगाली कौम रहती है। इसमें ये कौम रहती है, इसमें वो कौम रहती है। लेकिन पंजाबी तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, सिंधी तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, फिर ये अलग मुल्क क्यों बनाया गया था? गलती हुई, माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं बनाएंगे। इब्ने इंशा, उर्दू की आखिरी किताब।